राजस्थान में अन्य राज्यों की तरह हार जीत में जाति फैक्टर अहम भूमिका निभाता आया है। जाति के अंकगणित को चुनाव में जीत तक पहुंचने की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी जातियों के नाम पर धड़ल्ले से विभिन्न बोर्डों का गठन कर दिया है। इनके जरिए सीएम गहलोत हर जाति को साधने की कोशिश में है। दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा में टिकट को लेकर माथापच्ची भी जारी है। ऐसे में उम्मीदवारों की जात इस बार भी महत्वपूर्ण हो गई है। माना जा रहा है कि दोनों ही दल जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट देंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 80-90 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाति विशेष के वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। जाट और SC/ST वोटर को साधने के लिए दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दर्जन से ज्यादा जातियों के नाम पर विभिन्न बोर्डों का गठन कर दिया है। जाट जाति के लिए तेजाजी बोर्ड, राजपूत जाति के लिए महाराणा प्रताप और यादव के लिए कृष्ण बोर्ड बनाने की घोषणा हो चुकी है। गुर्जर के लिए देवनारायण बोर्ड, माली के लिए ज्योतिबा फूले, धोबी के लिए रजक, नाई के लिए केश कला, कुम्हार के लिए माटी कला, लोध के लिए अवंतीबाई और बंजारा जाति के लिए घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड का गठन किया जा चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की परिपाटी के चलते मतदाताओं के वोटिंग करने के तरीके में भी बदलाव आया है। राजस्थान में 89% आबादी हिंदू है, जबकि 9% मुसलमान है। 2% अन्य धर्मों के लोग हैं। ST 18 और ST 13% हैं। जाटों की आबादी 12%, गुर्जर राजपूतों की आबादी 9% जबकि ब्राह्मण मीणा की आबादी 7% है। इस लिहाज से OBC वोटर्स हार जीत में अहम भूमिका निभाते आए हैं। राजस्थान का मारवाड़ और शेखावटी इलाका जाट बाहुल है, जो कि कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। जोधपुर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। लोहावट, शेरगढ़, ओसियां, भोपालगढ़ SC, सरदारपुरा, जोधपुर, सूरसागर, लूनी, बिलाड़ा SC सीटें हैं। पाली जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। जैतारण, सोजत, बाली, पाली, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर सीट है। जालौर जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। आहोर, जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा और सांचौर सीटें हैं। नागौर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। लाडनू, डीडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, परवसर, नावा सीटें हैं। बाड़मेर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। शिव, बाड़मेर, बायतु, पचपदरा, सिवाना, गुड़ा मनाली 54 सीटें हैं। जैसलमेर जिले की कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। पोखरण और जैसलमेर सीटें हैं। सिरोही जिले में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। पिंडवाड़ा, आबू, रेवदर और सिरोही हैं। शेखावती अंचल में विधानसभा की 21 सीट है। कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माना जाता है। बीजेपी इस बार कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाना चाहेगी। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटसारा सीख और विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ चुरू जिले से आते हैं। चुरू जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। सादुलपुर, तारानगर, चुरू, सरदार शहर, रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधानसभा सीटें हैं। सीकर जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। फतेहगढ़, लक्ष्मणगढ़, धोद, सीकर, दांतारामगढ़, खंडेला, नीम का थाना, श्री माधोपुर का नाम शामिल है। झुंझुनू जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। पिलानी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, मंडावा, झुंझुनू, खेतड़ी और सूरजगढ़ विधानसभा है। हड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिला शामिल है। यहां ब्राह्मण, जैन और वैश्य की ज्यादा आबादी है। पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर में मीना, गुर्जर के अलावा SC की खासी आबादी है। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। बीकानेर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। खाजूवाला, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, कोलायत, लूणकरनसर, डूंगरगढ़ और नोखा सीटें हैं। श्री गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। शादुल शहर, गंगानगर, करनपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ सीटें हैं। हनुमानगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। संगारिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, धर्मेंद्र कुमार, नोहर, भादरा सीटें हैं। भरतपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। कामा, नगर, वैर, डी गुंबेर, नदबई, बयाना और भरतपुर का नाम है। धौलपुर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बसेड़ी, बाड़ी, राजाखेड़ा और धौलपुर विधानसभा की सीटें हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।